हे गाइस, दिस इज आदित्य राज गुप्ता। एंड आज की वीडियो में पढ़ने वाले सी एस एस फ्लेक्सबॉक्स के बारे में। तो सी एस एस फ्लेक्सबॉक्स एक बहुत ही अच्छा एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है, जिसे हम सी एस एस में रिस्पॉन्सिवनेस, वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस वैसे तो हम वो मीडिया क्वेरी से यूज़ कर ही सकते हैं, पर जब हम सी एस एस फ्लेक्सबॉक्स यूज़ करते हैं तो ये और भी आसान हो जाता है उससे। तो बिना देरी कर अपनी वेबसाइट को शुरू करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए या फिर ऐसे जिनका टेक में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ये उन्हें भी प्रिपेयर करता है। और साथ ही साथ ऐसे फ्रेशर्स जो जेन्युइनली अपने जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो न्यूटन स्कूल उन लोगों को प्रिपेयर करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी अपना कोडिंग में अपना बैकग्राउंड बनाना चाहता है, न्यूटन स्कूल उन सभी लोगों को प्रिपेयर करता है। और न्यूटन स्कूल के 300 से भी ज़्यादा कंपनी से टाई अप है। तो और ये जरूरी इंश्योर करता है कि आप एक बेस्ट टू बेस्ट कंपनी में इंश्योर्ड हो। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको कोई भी फीस नहीं देनी है जब तक आपका 5 लाख CTC से मिनिमम पैकेज नहीं लग जाता। मतलब 5 लाख से 40 लाख के बीच में आपका जब तक पैकेज नहीं लग जाता तो आपको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी होती है। और बस यहाँ पर आपको पढ़ते रहना होता है और कोडिंग करते रहना होता है। और यार, लर्निंग पर्पज के लिए न्यूटन स्कूल ने अपने एक लॉन्च पैड भी निकाल रखा है। तो आइए मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। लॉन्च पैड मतलब न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गया, आप लॉन्च पैड पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपका ये वाला वेब पेज खुल जाएगा। अगर आपने लॉग इन कर रखा है तो अच्छा है, और अगर आप न्यू यूजर है तो आप साइन अप करके लॉग इन कर लीजिए। फिर आपका ये 3 सेक्शन आ जाएंगे, ट्रैक्स, प्लेग्राउंड एंड कॉन्टेस्ट। तो ये आपके ट्रैक्स हैं, मतलब आपको जिस भी कोर्स में आपको पार्टिसिपेट करना है और जिस कोई भी कोर्स आपको करना है कोडिंग बैकग्राउंड में, तो आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड सेक्शन में आपको अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप। तो मैं ऑलरेडी मार्कअप प्लेग्राउंड में अपने 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ, तो इसमें बस जो आप काम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसमें वही आ जाए। और कॉन्टेस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ये कॉन्टेस्ट पेज ये होता है कि मतलब न्यूटन स्कूल के आपने कितने कॉन्टेस्ट दिए हैं और आपका क्या क्या स्कोर रहा है, तो ये कॉन्टेस्ट ये होता है। तो ये थी जानकारी न्यूटन स्कूल और उसके लॉन्च पैड के बारे में। तो आइए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो यार कोडिंग पार्ट शुरू करने से पहले सी एस एस फ्लेक्सबॉक्स के बारे में थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज भी जरूरी है, तो उसको जान लेते हैं। तो व्हाट इज फ्लेक्सबॉक्स? तो इट इज़ ए वन डायमेंशन लेआउट फॉर लेइंग आउट आइटम्स इन रोज एंड कॉलम्स। तो सी एस एस फ्लेक्सबॉक्स ये आप पढ़ोगे मैं पढ़ूंगा एक ही बात है, मतलब हम सीधा कोड पे देखेंगे। बस थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज आप देख लीजिए, लिख लीजिए, और आपको स्क्रीन शॉट लेना है वो भी ले लीजिए। और सी एस एस फ्लेक्सबॉक्स इज बेटर वे टू अलाइन आइटम इन टू कंटेनर। तो हम इसे कंटेनर की मदद से बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिवनेस दे सकते हैं वेबसाइट में, जो कि मीडिया क्वेरी से भी कर सकते हैं, पर इससे वो चीज़ें आसान हो जाती है। और फ्लेक्स बॉक्स ही वर्ड हमारा फ्लेक्सिबल प्लस बॉक्स से बना है, मतलब वो फ्लेक्सिबल वाली चीज़ें अभी हम वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कोडिंग पार्ट शुरू करते हैं अपने सीधा। तो सीधा न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड पर आके हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जो कि मार्कअप पे क्लाउड में हम करने वाले हैं। तो इसका नाम क्या रखूँ मैं? सी एस एस फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है, इसका नाम ये रखते हैं। और इसमें भी ये लिख देते हैं, फ्लेक्स बॉक्स मॉडल इन सी एस एस, ठीक है। तो अब इसको क्रिएट कर देते हैं हम। फिर वही सिंपल बात है, मतलब जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट को स्किप कर देना। अगर आप ऑफलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको मतलब बॉयलर प्लेट ये सब लगाना पड़ेगा। और वैसे आप इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और इसमें लिंकिंग विंकिंग भी अगर आपको नहीं करनी पर आपको सीखना ज़रूरी है वो। तो अब ये सीधा, तो आप सीधा ये आईडी यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन वाला न्यूटन स्कूल का। तो हम सीधा बॉडी टैग से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, फिर इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। और हम इसमें एक हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे H3 करके, ठीक है। और हेडिंग हमारा क्या रहेगा? हेडिंग रहेगा सी एस एस फ्लेक्स बॉक्स मॉडल, ठीक है, सी एस एस फ्लेक्स बॉक्स मॉडल। और यहाँ पे एल कैपिटल हो गया है, तो हेडिंग हमारा आ चुका है यहाँ पे आउटपुट सेक्शन में। इससे पहले कि मैं और कंटेंट लिखूँ, तो हम ये देख लेते हैं कि इसका व्यू कैसा होता है, मतलब हमारा ये सी एस एस बॉक्स मॉडल का व्यू कैसा होता है। तो सी एस एस फ्लेक्स बॉक्स मॉडल में मतलब एक ये जो ऊपरी पार्ट है, मतलब आउटर वाला जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, जिसके पीछे बॉक्स शेडो आ रहा है, वो मान लेते हैं एक कंटेनर है यहाँ पे। तो इसमें एक फ्लेक्स कंटेनर आता है जो मैंने अभी बताया आपको। फिर वहाँ पे एक मेन एक्सिस आता है, फिर मेन एक्सिस के बाद मेन स्टार्ट और मेन एंड। और वैसे यहाँ पे क्रॉस स्टार्ट होता है, क्रॉस एंड होता है, क्रॉस एक्सिस के लिए होता है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे डब्बे हैं जैसे कि, तो फ्लेक्स आइटम दे सकते हैं हम उसको। फिर फ्लेक्स आइटम में मेन साइज़ होता है, वहाँ पे क्रॉस साइज़ होता है, वो सब अभी देखेंगे। मतलब ये आपको मैं व्यू बता रहा हूँ यहाँ पे एक बढ़िया सा, तो मतलब कुछ ऐसे ही लगता है हमारा सी एस एस बॉक्स मॉडल। तो इसको देख लीजिए आप और हम शुरू करते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेनर में ना 6 डब्बे ले लेंगे, और 6 डब्बे की क्लास
हम वहाँ पे आइटम दे देंगे, ठीक है, और उसको आईडी भी प्रोवाइड करा देंगे। तो पहले डिव 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 में क्लास दे देता हूँ मैं, क्लास क्या दूँ, कंटेनर, ठीक है। ये सब आप तो कर लीजिए, नॉर्मल सी चीज़ है, ये सब मैंने आपको सब बता रखा है बिल्कुल। और हमें 6 डब्बे चाहिए ना, तो डिव भी ले लूँगा मैं डब्बों के लिए, डिव, उनको क्लास प्रोवाइड कराता हूँ मैं, क्लास दे देता हूँ आइटम्स, ठीक है, आइटम्स। और उसको आईडी भी देना चाहेंगे हम, आईडी के लिए आईडी और आइटम 1 दे देते हैं हम इसको, जैसे कि, ठीक है। और इसको ज़रूरी तो नहीं है वाला पार्ट, मतलब वो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दिया, हमें इसको 5 बार और कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये सब आप कर लीजिए जल्दी जल्दी। और वैसे भी इसको हम दे देते हैं आइटम 2, इसको आइटम 3, इसको आइटम 4, इसको आइटम 5, इसको आइटम 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा है फर्स्ट बॉक्स, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स। और सिमिलरली हम सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, ये तो आप कर लीजिए फटाफट। अच्छा, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, ठीक है, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, फिफ्थ बॉक्स, और यहाँ पे आ गया सिक्स्थ बॉक्स, ठीक है, सिक्स्थ बॉक्स, बॉक्स नहीं बॉक्स, ओके फाइन। हाँ, अब इतना पार्ट आ गया है, और आउटपुट सेक्शन में भी हमारा ये अच्छे से रिफ्लेक्ट होने लग गया है, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स। तो ये क्या, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, और उसको मैं एक हाइट प्रोवाइड कराना चाहूँगा, हाइट। हम अपने कंटेनर, भारी डब्बे को हाइट देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे हाइट 500 पिक्सल्स करके देखता हूँ पहले। तो 500 पिक्सल्स की हाइट, अच्छा, बॉर्डर तो दिया ही नहीं मैंने इसको, तो बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ठीक है, बॉर्डर ये दे दिया हमने। और हाइट देखते हैं हम कितनी हो गई हमारी, हाइट हमारी कुछ ज़्यादा ही हो गई, 500 पिक्सल्स। तो इसको मैं कर देता हूँ 444 पिक्सल्स, 444 पिक्सल्स करके देखते हैं यहाँ पे हम। तो 444 पिक्सल्स इज़ नाइस हाइट है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है बिल्कुल है। अब क्या करेंगे हम, इसको विड्थ ही प्रोवाइड करा देते हैं, विड्थ मतलब, विड्थ मतलब चौड़ाई। तो इसको चौड़ाई हम 100% दे देंगे, नॉर्मल हर जैसे देते हैं हम, क्योंकि हमारा कंटेनर बाहर वाला डब्बा है और उसके अंदर स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, तो 100% विड्थ दे दिया हमने इसको। अब हम क्या करेंगे, आइटम की स्टाइलिंग करेंगे यहाँ पे, आइटम्स। तो आइटम्स में क्या है हमारा, मतलब सारे डब्बे हैं, तो सारे डब्बों को हम बैकग्राउंड दे देते हैं यहाँ पे, एक बैकग्राउंड कलर, इसको मैं बैकग्राउंड कलर टोमेटो दे देता हूँ। हाँ यार, टोमेटो भी एक कलर है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर कलर, बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड। कौन सा अच्छा लगेगा टोमेटो में हमारा, 2 पिक्सल सॉलिड, डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक ही होता है, ग्रीन देखे देखे तो कैसा लगता है ये, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो हाँ यार, ये टोमेटो पर ग्रीन अच्छा लग रहा है। और बॉर्डर दे दिया, इसको मार्जिन प्रोवाइड करा देते हैं ताकि अलग अलग हो जाए हमारे डब्बे, मार्जिन देते हैं 10 पिक्सल्स की। और पैडिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं थोड़ी अंदर के लिए, हम पैडिंग दे देते हैं 3 पिक्सल्स की। अब देखते हैं कैसे लग रहा है ये, तो मार्जिन भी दे दिया, पैडिंग भी दे दिया। अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा डब्बा, मतलब डब्बे जो बनाए हैं अच्छा लग रहे हैं। अब ये सब थी हमारी बेसिक स्टाइलिंग, मतलब ये पिछले वाली सारी वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, ये तो आपने बिल्कुल कर ही लिया होगा। अब जो मेन पार्ट है हमारा, फ्लेक्स बॉक्स है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फ्लेक्स बॉक्स अगर हमें, मतलब हम अपने डब्बे से, मतलब जो कंटेनर हमारा बाहर वाला डब्बा है, उसमें अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स करें, और वैसे भी अगर हमें जब फ्लेक्स बॉक्स वाली सारी प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है ना, तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स जरूरी देते हैं वहाँ पे। तो डिस्प्ले मतलब एक इनिशियल स्टेप हो जाता है वहाँ पे, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं ना हम अपने कंटेनर डिब को। तो आपने देखा कि सारे डब्बे मेरे फ्लेक्स में हो गए, तो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली हमें एक एक डब्बे को पकड़ के सही नहीं करना पड़ा, सेटिंग देनी पड़ी, हमारे एक साथ डब्बे हो गए। और अगर मैं इनको भी हाइट और विड्थ प्रोवाइड कर दूँ तो ये और ही बढ़िया लगेगा। तो हाइट में दे देता हूँ इसको 100 पिक्सल्स की, ये क्या हो गया 100 पिक्सल्स। और विड्थ हाइट तो वैसे छोटी है शायद, विड्थ भी 100 पिक्सल्स की, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अच्छा हाँ ठीक है, ये विड्थ और हाइट मैंने दिया 100 पिक्सल्स की, तो आपने देखा कि कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब आप बोलेंगे कि मतलब ये जो हमारे डब्बे हैं, इसको अलाइनमेंट हम एक साथ कर ही सकते हैं, तो क्या हम इन डब्बों को, मतलब कॉलम में भी अलाइनमेंट कर सकते हैं कैसे, मतलब ज़रूरी है क्या कि हम रो में ही करें, मुझे तो कॉलम में करना है भाई। अब कैसे करेंगे उसको, तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, कि मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, तो फ्लेक्स डायरेक्शन, हम डायरेक्शन वहाँ पर दे देंगे अपने फ्लेक्स को। तो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी आती है, अगर हम उसको कॉलम चाहते हैं तो उसे हम कॉलम दे सकते हैं। तो अब देखो आप,
कि फ्लेक्स डायरेक्शन नंबर कॉलम हो गया, और बाय डिफॉल्ट होता है ये रो, हम चेंज भी कर सकते हैं उसको। तो अगर मैं दोबारा इसको रो दे दूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन वापस चेंज कर दूँ मैं यहाँ पे, तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो वापस कर दूँ, तो अब देखो वो रो में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। और देखने वाली बात ये भी है कि मतलब यहाँ पे मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन पहले भी दे रखी है और बाद में भी दे रखी है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता रखी है कि मतलब जो प्रॉपर्टी हम बाद में लिखते हैं सेम चीज़ के लिए, वो वाली हमारी स्पेसिफिटी, वो उस वाली की स्पेसिफिसिटी हमारी ज़्यादा होती है, मतलब जो हमने कोड बाद में करा है उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर, है ना। तो अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन मतलब रो और कॉलम तो देख लिया हमने, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ फिर भी ये रो ही रहेगा क्योंकि स्पेसिफिसिटी हमारा रो वाली की ज़्यादा है ना। तो और अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन रिवर्स, एक रिवर्स करके भी होता है, रो रिवर्स कर दूँ मैं, तो इसका मतलब होता है कि रो में ही रहेगा ये हमारा, पर रिवर्स डायरेक्शन शुरू होगा, जो हमारा फर्स्ट वाला बॉक्स है ना, फर्स्ट वाला, वो हमारे रिवर्स में आ जाएगा। जैसे कि पहले क्या था, फर्स्ट वाला बॉक्स हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब जब डिफॉल्ट था वो रो में, और अब क्या हुआ हमारा फर्स्ट इधर से आ गया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, सिक्स्थ, फिर ऐसे हुआ। और सिमिलरली हम फ्लेक्स डायरेक्शन अगर कॉलम स्टार्ट दे दें, मतलब कॉलम रिवर्स, तो इसमें यही हो गया कि आप पहचान चुके होंगे अब तक क्या होगा इसमें, मतलब नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, नीचे हमारा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहले क्या था हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना। तो ये देखने की मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये फ्लेक्स डायरेक्शन में, और स्टाइलिंग ये हमारी बहुत इजी कर देता है। तो इन सारे पार्ट को अगर मैं कमेंट आउट कर दूँ यहाँ पे, हाँ ठीक लग रहा है भैया, तो आपको साथ ही साथ मुझे नोट्स भी प्रोवाइड कराने हैं, तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, कमेंट होते ही इसलिए, तो इनिशियलाइजेस द कंटेनर, जो हमारे कंटेनर डब्बे को ही क्या बनाता है, फ्लेक्स बॉक्स हैज ए फ्लेक्स बॉक्स, और ये सारी जो नीचे मैंने चीज़ें लिखी है वो क्या, हमारी फ्लेक्स स्टाइलिंग, या ये प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं इसको हम, फ्लेक्स प्रॉपर्टीज फॉर फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है, फ्लेक्स प्रॉपर्टीज फॉर फ्लेक्स कंटेनर। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है इसकी, मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट द फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन हमारा क्या होता है, रो होता है, ठीक है, ये सब तो जान गए हमने, हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देख लिया, रो रिवर्स देख लिया, कॉलम रिवर्स देख लिया। तो एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ आपको, उससे पहले मैं ये जो मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन था ना, फ्लेक्स डायरेक्शन रो को मैं वापस वही कर देता हूँ, इनको मैं सिंगल कमेंट बना देता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट, और ठीक है ये तो ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन हमारा रो, तो ये हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन किस में हो गया, रो में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ इसको, ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब स्क्रीन से यहाँ पे खेलना है ना, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ अपना व्यू, ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो ये कर लेता हूँ। और अब देखो यार यहाँ पे जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ना, इस इन डब्बों को अपने छोटा कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है कि मतलब ये एक साथ ही हो जा रहे हैं, रैप नहीं हो पा रहा है, रैप नहीं हो पा रहा है, एक के नीचे एक नहीं आ पा रहे, मतलब हमें चाहिए कि रैप होइए, उसके लिए हमारे पास होता है फ्लेक्स रैप, तो उसे भी कर देख लेते हैं एक बार। अच्छा यहाँ पे एफ कैपिटल हो गया, वैसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप, रैप अगर हम कर देंगे ना यहाँ पे, फ्लेक्स रैप रैप, तो अब देखना कि जो अब मैं इसमें ये जो इंस्पेक्ट करते हैं हम पहले यहाँ पे, और अब मैं अगर इसको छोटा करूँगा ना, तो ये सारे रैप हो जाएंगे मेरे, और जो मैं चाहता था, तो जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये रैप होते जा रहे हैं, देखो अब बिल्कुल रैप होते जा रहे हैं। इस वाले पार्ट को मैं नीचे करता हूँ थोड़ा, ये वाला पार्ट नीचे क्यों नहीं हो रहा, अच्छा हाँ अब ठीक है। और अब देखो, अब जब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ना, तो ये अपने वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहे हैं, हमारे डेस्कटॉप व्यू पे ऐसा चल रहा है। अगर मैं टैबलेट मोड पे चाहता हूँ अपने देखना, तो टैबलेट मोड पे ऐसा आ जाएगा, फिर मैं फ़ोन में देखना चाहता हूँ तो फ़ोन में बिल्कुल ऐसा आ जाएगा, सिंगल व्यू आ जाएगा, मतलब है ना, हमारी छोटी स्क्रीन है तो बिल्कुल रैप हो गया। और इसको भी अगर हम चेंज करना चाहें तो उसको वैसे उसको भी कर सकते हैं हम, ये फ्लेक्स रैप है ना यहाँ पे, फ्लेक्स रैप को, ये कंटेंट मेरा ओवर रिटर्न हो जाएगा तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको क्या कहेंगे, रैप रिवर्स, रैप रिवर्स, रैप रिवर्स अगर मैं दे दूंगा तो ये रैप होगा मेरा ज़रूर, पर ये उल्टी डायरेक्शन में होगा, तो उसे भी देख लेते हैं। तो ये रैप रिवर्स आपने देखा कि मेरा ये उल्टी डायरेक्शन में हुआ है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये कंटेंट मेरा ऊपर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रिवर्स में हो रहा है, ऐसे 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 हो रहा है, पहले कैसे हो रहा था, पहले नीचे एक के नीचे एक हो रहा था, अब एक के ऊपर एक हो रहा है हमारा रैप रिवर्स, तो ये भी बहुत ईजी सा है हमारा। तो आप देख रहे हैं कि मतलब ये फ्लेक्स बॉक्स भी बहुत ईजी
हमारा है, मतलब फ्लैक्स बॉक्स पे एक यूजी टॉपिक है, बस इसे समझने की जरूरत है थोड़ी। और समझने क्या यार, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कोडिंग बिल्कुल है, और आप इसको करते रहिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। और यार यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगा, आप इस पेज पे बिल्कुल रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आप CSS की प्लेलिस्ट दे रखी है मैंने, यहाँ पे HTML की प्लेलिस्ट दे रखी है। HTML वाला पार्ट मैंने कवर कर लिया पहले सारा, तो आप HTML भी देख सकते हैं, CSS भी देख सकते हैं, और मैंने बता रखा है कि हम क्या क्या कंट्रोल फ्लो भी बता रखा है मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में, वो भी देख सकते हैं आप। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए और एक्सेस करिए उसे। फिर यार यहाँ पे हमारा एक चीज़ और, मतलब हमें अगर फ्लेक्स रैप और ये सब, मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप हमें अलग अलग नहीं लिखना है, एक लाइन में लिखना है, तो उसके लिए शॉर्ट भी है हमारे पास शॉर्टकट, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम? जैसे कि हमारे पास पैडिंग है राइट लेफ्ट बॉटम और टॉप, उसके लिए पैडिंग हमारे पास एक दे सकते हैं ना, अगर हम एक देनी है तो हम पैडिंग राइट अलग नहीं लिखते, पैडिंग लेफ्ट। अगर हमें मान लो पैडिंग सब जगह देनी है 13-13 pixels की, तो हम क्या करेंगे, सीधा पैडिंग लिखेंगे वहाँ पे और 13 pixels। मार्जिन देनी है 14 pixels की, तो मार्जिन लिखेंगे 14 pixels। अलग अलग तो नहीं लिखते ना, टॉप की इतना इतना अलग अलग देनी है तब हम लिख सकते हैं उसको। तो वैसे ही यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन और हमें फ्लेक्स रैप अगर सेम चीज़ देनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है शॉर्टकट, फ्लेक्स फ्लो। तो आप देख लो यहाँ पे एमएड में शो भी कर रहा है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो में हम पहले तो यहाँ पे अपनी डायरेक्शन देना चाहेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन हमारा रहेगा रैप रिवर्स, रैप रिवर्स ही देते हैं, और डायरेक्शन रो में रहेगा रो वाइज। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अच्छा मेरे कंटेंट ही गायब हो गया, ऐसा क्यों हुआ, एक मिनट, अच्छा हाँ अब आ गया मेरा कंटेंट। आप देख सकते हो हमारा रैप हुआ है, रिवर्स से हुआ। अगर मैं इसको कॉलम दे दूँ वहाँ पे तब भी ये वर्क करेगा, रो में रहेगा और कॉलम में रहेगा, मतलब रिवर्स में रहेगा और कॉलम में रहेगा। तो उसे देखते हैं, तो आपने देखा कि ऐसा आ गया बिल्कुल है। अगर मैं उसको छोटा बड़ा करूँ अपनी स्क्रीन साइज़ को, तो वो भी अच्छे से काम करेगा, क्योंकि मैंने इसको रैप कर ही रखा है, और रैप ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो ये रैप रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा लग रहा है। कॉलम वाइज कर रखा है इसलिए मैंने ये एक के साथ एक आ चुका है ये, और अगर मैं उसको वापस रो कर दूँ तो ये और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को कॉमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी हम कॉमेंट आउट कर देते हैं। और हमारे पास क्या है देखने के लिए, और हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, मतलब अपने कंटेंट को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, तो वो भी देखते हैं। उससे पहले मैं आपको नोट्स देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप, ये सब तो आपको समझ आ ही चुका है, इसका क्या नोट्स दूँ मैं आपको। फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स फ्लो लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्लेक्स फ्लो के लिए बता देता हूँ, यूज्ड फॉर द शॉर्ट ऑफ, शॉर्टकट ऑफ, अच्छा शॉर्ट वर्ड नहीं, कट, शॉर्टकट ऑफ फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप एंड किस किस के लिए, एंड किस किस के लिए, ये किस किस के लिए, फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है यार, टेंशन लेने बात नहीं है। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन है वहाँ पे, पूछ लीजिए बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पे जस्टिफाई बता रहा था मैं आपको, तो जस्टिफाई देखते हैं सीधे डायरेक्ट। जस्टिफाई जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ना, वो जो हमारे डब्बे के अंदर जो कंटेंट होते हैं उसको स्टाइलिंग करने में यूज़ होती है, तो उसको भी देख लेते हैं। पहले तो लिख देते हैं कि किस लिए यूज़ होता है, जस्टिफाई एयर कंटेनर, कंटेनर में जो भी हमारा चीज़ है उसको स्टाइलिंग करने के लिए हम जस्टिफाई यूज़ करते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे सेंटर दे दूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दूँ, तो आउटपुट सेक्शन में आप देखेंगे कि ये जो हमारा कंटेंट है बिल्कुल सेंटर में आ गया। इस तरफ से भी हमारे पास सेम पैडिंग आ गई है, ये जो फर्स्ट बॉक्स की इस तरफ से लेफ्ट की तरफ से, और सिक्स बॉक्स की राइट की तरफ से भी हमारे पास सेम पैडिंग आ चुकी है। और ऐसा बहुत सारे बंदे इनिशियली करना चाहते हैं कि हम सारा बीच में लाना चाहते हैं, वो मार्जिन प्रोवाइड करते हैं इधर से, फिर इधर से मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, फिर मतलब डिवाइस विड्थ से देखते हैं कि इस तरफ की मार्जिन सही है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो ये यार इतना सिंपल है ना, क्या करा हमने, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ही नहीं, हमारे पास और भी अवेलेबल है। अगर मान लो हमें बीच बीच में डब्बों के देना है, तो उसके क्या करेंगे, मार्जिन प्रोवाइड करेंगे। तो ये लीगली, मतलब लीगली क्या, बिल्कुल जो ऑफिशियली हम प्रोफेशनली करते हैं एक वेब डेवलपर, तो उसके लिए सही नहीं होता मार्जिन प्रोवाइड करना। तो जस्टिफाई कंटेंट वहाँ पे उसके लिए होता है, ये ओवरराइट हो जाएगा मेरा कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट एक होता है स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस अराउंड भी होता है, पहले स्पेस बिटवीन देख लेते हैं, स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन मतलब ये होता है कि हमारे सारे कंटेंट के बीच में ना स्पेस आ जाएगा एक। तो इसमें ये क्या होता है कि मतलब
इसमें कंटेंट के बीच में स्पेस आएगा, क्योंकि स्पेस बिटवीन बिटवीन मतलब बीच में होता है, और हमारे साइड साइड में स्पेस नहीं आएगा जो फर्स्ट और लास्ट है। तो आपने देखा ये ऐसे काम करता है। और अगर मैं स्पेस अराउंड कर दूँ यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, अच्छा ये बिटवीन ही हो गया, स्पेस अराउंड। तो स्पेस अराउंड में क्या होगा, मेरे फर्स्ट और सिक्स्थ वाला उसके बीच में भी स्पेस आ जाएगी। अब यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है, आप ये सोच रहे होगे कि बीच में अगर हमारा यहाँ पे सेम गैप है, यहाँ पे सेम गैप है, तो बीच में बड़ा गैप क्यों हो गया। बीच में बड़ा गैप इसलिए हो गया क्योंकि जो फर्स्ट बॉक्स है ना, उसके जो लेफ्ट साइड जो स्पेस है वो सही है, फर्स्ट बॉक्स के राइट साइड जो स्पेस है वो भी उतना ही है जितने लेफ्ट साइड के स्पेस है, पर हमारे सेकंड बॉक्स के जो लेफ्ट साइड में स्पेस है ना, वो मिला के ये फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स के बीच का गैप बन रहा है। तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो क्या करिए, आप एक कॉपी पेन उठाइए और उसमें ये बॉक्स बनाइए, फिर जो मार्जिन, मार्जिन तो नहीं कह सकते मतलब, फिर भी समझने के लिए मार्जिन वहाँ पे बनाइए, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ आपके बीच में एक लाइन आएगी, और फिर मतलब फर्स्ट बॉक्स और मतलब गैप यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा है। तो ये भी बहुत सही है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड से याद आया कि जस्टिफाई कंटेंट हमारा एक इवनली जस्टिफाई कंटेंट इवन भी होता है स्पेस, अच्छा इवनली होता है वो, सिर्फ स्पेस इवनली है ना। तो स्पेस इवनली में क्या होगा कि ये यहाँ पे हमारे बराबर बराबर की स्पेस आ गई है। अब पहले वाले में क्या था, स्पेस अराउंड में कि हमारा इस तरफ जो स्पेस था वो भी इस तरफ था, और इस सेकंड बॉक्स का भी मिला के इस तरफ था, तो यहाँ की ज़्यादा स्पेस हो गई थी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितना स्पेस मान लो यहाँ पे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 100 पिक्सल का स्पेस दे रखा है यहाँ पे, तो यहीं पे 100 पिक्सल्स का भी होगा, फिर इसके बीच में भी 100 पिक्सल्स 100 पिक्सल्स 100, तो इवनली ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये जस्टिफाई कंटेंट भी देख लिया, उसके मैंने आपको थ्योरी भी प्रोवाइड करा दिया, जस्टिफाई कंटेंट इज़ यूज फॉर द स्टाइलिंग कंटेंट इन द कंटेनर, है ना। तो ये भी बहुत सही लग रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। उससे पहले ऑर्डर बताने के लिए मुझे फ्लेक्स रैप वाला चीज़ ना इनेबल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको मैं सिंगल लाइन कमेंट बनाता हूँ इसके नीचे वाले को, हाँ अब ठीक है, फ्लेक्स रैप मेरा इनेबल हो गया है, तो यहाँ पे रैपिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर मैं कंटेंट को अपने छोटा करूँगा तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑर्डर मैं अपने आइटम्स में लगाना चाहता हूँ, और आइटम्स में क्या लगाना है, हमें आइटम्स में ही है वो, हमने उसको आईडी दे रखी है, अपने आईडी इसीलिए दी थी मैंने, और आइटम वन वहाँ पे आ गया, आइटम वन, ठीक है। आइटम वन और सिमिलरली हम सबको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे अपने, और तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डब्बे और हटा देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं तीन डब्बों के साथ यहाँ पे काम करूँगा, तो इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और तो यहाँ पे तीन डब्बे ही बहुत हैं, ठीक है, टू, और इसको मैं दे देता हूँ थ्री। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको ऑर्डर दे दूँ यहाँ पे, पहले मैंने किसके लिए आपको बताया था, पहले मैंने बताया था फ्लेक्स प्रॉपर्टीज फॉर फ्लेक्स कंटेनर, अब हम क्या करेंगे, फ्लेक्स प्रॉपर्टी फॉर फ्लेक्स आइटम। तो लिख लेते हैं यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी फॉर फ्लेक्स आइटम, ठीक है, आइटम के लिए अभी यहाँ पे। तो अगर मैं इसको ऑर्डर दे दूँ, ऑर्डर दे देता हूँ मैं टू इसको, तो ये अपना ऑर्डर चेंज कर लेगा, फर्स्ट बॉक्स हमारा, फर्स्ट बॉक्स हमने आइटम वन को फर्स्ट बॉक्स ही दिया है यहाँ पे, देख लीजिए आप, आइटम वन और आइटम वन हमने फर्स्ट बॉक्स को ही दिया है, तो फर्स्ट बॉक्स हमारा क्या करा, इसने अपनी ऑर्डर चेंज कर लिया और ये लास्ट में चला गया। अगर मैं वहीं अपने थर्ड वाले बॉक्स का ऑर्डर चेंज करके उससे बढ़ा दूँ, क्या कहते हैं मतलब ऑर्डर उस वाले से बढ़ा दूँ प्रीवियस वाले से, ऑर्डर इसका मैं कर दूँ फोर, अगर मैं इसका फोर ऑर्डर कर दूँ ना, तो अब क्या होगा कि थर्ड वाला हमारा चेंज होकर लास्ट में चले जाएगा, तो थर्ड वाला चेंज होकर लास्ट में चला गया। अगर वहीं मैं सेकंड वाले का ऑर्डर चेंज कर दूँ यहाँ पे, सेकंड वाले का, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कैसे वर्क करता है, तो सेकंड वाले का ऑर्डर मैं यहाँ पे अगर सिक्स कर दूँ, या फिर हम इसको 40 कर देते हैं यहाँ पे, तो अब देखने कि सेकंड वाला लास्ट में चले जाएगा। तो जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा यहाँ पे, वो वाली प्रायोरिटी ज़्यादा लेगा, मतलब स्पेसिफिसिटी उस बॉक्स की, उस आइटम की ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो ऑर्डर वाले में क्या करता हूँ, सेकंड वाले से ऑर्डर मैं हटाता हूँ ये अभी फ़िलहाल के लिए, और मैं इसको यही सेम ऑर्डर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो क्या होगा, हमारा थर्ड वाला लास्ट में चले जाएगा और फर्स्ट वाला हमारा सेकेंड पोजिशन में चलेगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड वाले को भी तो मैंने कुछ ऑर्डर दिया नहीं, तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट हमारा फर्स्ट पे जाना ही जाना है उसको, ठीक है। अब ऑर्डर तो हो गया, अब यहाँ पे फ्लेक्स एक ग्रो करके प्रॉपर्टी होती है, फ्लेक्स ग्रो, तो फ्लेक्स ग्रो में सेकंड वाले में प्रोवाइड करके देखता हूँ, फ्लेक्स ग्रो एमिट में आ चुका है। फ्लेक्स ग्रो अगर मैं इसको थ्री दे दूँ, और मैं जब अपनी स्क्रीन को ना वो छोटा बड़ा करूँ, या फिर ऐसे ही देख लेते हैं कि फ्लेक्स ग्रो सेकंड वाले बॉक्स को मैंने ज़्यादा दिया ना, तो ये अपने कॉन्टेंट के हिसाब से अपने फ्लेक्स ग्रो जो मतलब अपनी विड्थ जो है वो बढ़ा ले रहा है।
अगर मैं फ्लेक्स ग्रो अपने फर्स्ट वाले बॉक्स दे दूँ, फर्स्ट वाले बॉक्स हो फ्लेक्स ग्रो यहाँ पे मैंने कर दिया दो, तो ये अपने देखना कि मतलब उसके कंपैरिजन में कम चौड़ाई में है, मतलब सेकंड वाला बॉक्स हमारा ज़्यादा ग्रो कर रहा है, फिर फर्स्ट वाला बॉक्स हमारा कम ग्रो कर रहा है, और थर्ड वाला तो हमारा कर ही नहीं रहा क्योंकि उसमें हमने कोई प्रॉपर्टी प्रोवाइड ही नहीं करी, तो इतना सिंपल है ये। और फ्लेक्स ग्रो के साथ एक और होता है फ्लेक्स श्रिंक, तो फ्लेक्स श्रिंक एमिट में आ चुका है बिल्कुल, और एक मिनट, और फ्लेक्स ग्रो के साथ एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स श्रिंक, अगर ग्रो कर रहा है तो श्रिंक भी ज़रूरी करेगा, तो फ्लेक्स श्रिंक भी देख लेते हैं यहाँ पे। फ्लेक्स श्रिंक अगर मैं उसको 3 दे दूँ, और इसको इसमें नहीं, इसको हम इसी में प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। फ्लेक्स श्रिंक अगर 3 दे दूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होगा जब हम इसको श्रिंक कराएंगे, एक मिनट, जब हम इसका मैं इंस्पेक्ट करूँगा और जब हम स्क्रीन को रिसाइज करूँगा तब यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा इसका हमारा। तो जब मैं इसको यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ ना, छोटा, हमने फ्लेक्स रैप तो रैप कर ही रखा है, तो आप देख रहे हैं कि ये श्रिंक हो रहा है, तो हमारी चौड़ाई किसकी ज़्यादा है, अभी भी हमारे फर्स्ट वाले की चौड़ाई ज़्यादा है, श्रिंक तो हो भी रहा है और चौड़ाई हमारी फर्स्ट वाले की ज़्यादा है, तो ये श्रिंक ये काम करता है। अब मैं इन सारी चीज़ों को कॉमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसको हटा देता हूँ ऑर्डर को, फ्लेक्स रैप तो मेरा रैप ही रहेगा वहाँ पर, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ और मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा हम एक और प्रॉपर्टी आती है जो कि होती है फ्लेक्स बेसिस के नाम से, एमेट में आ चुका है फ्लेक्स बेसिस। अगर मैं फ्लेक्स बेसिस यहाँ पे कर दूँ 120 पिक्सल्स की, तो फ्लेक्स बेसिस काम क्या करते हैं उसके बारे में पहले लिख लेते हैं। तो व्हेन फ्लेक्स डायरेक्शन इज सेट टू रो, ठीक है, इट विल कंट्रोल द विड्थ। तो अब तक आप समझ चुके होंगे, जब हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो पे सेट हो तो हमारा फ्लेक्स बेसिस हमारी विड्थ को कंट्रोल करता है। सिमिलरली जब ये हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन ये कॉलम पे सेट हो ना, तो ये हमारी हाइट को करेगा कंट्रोल, तो वो भी देख लेते हैं हम। और HEIGHT हाइट, ठीक है, अगर फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे मैंने 120 दिया है, अब देखते फ्लेक्स बेसिस, सॉरी, तो हम इसको फ्लेक्स बेसिस 120 डायरेक्शन फर्स्ट बॉक्स में, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लेक्स बेसिस हमारा वेट कंट्रोल करता है, तो हमें स्क्रीन को रिसाइज करना होगा, तो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आई, तो और जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, छोटा करता हूँ, तो हमारे विड्थ को कंट्रोल कर ही रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल, हमारे विड्थ जो है ना फर्स्ट वाले का, आप देखिए विड्थ हमारा वो कंट्रोल खुद कर रहा है, और ठीक है, मतलब और क्या, ये हमारे विड्थ को कंट्रोल खुद ही कर रहा है। तो आप खुद भी कोड करके देखिए यार, आई होप कि आप खुद कर रहे होंगे कोड मेरे साथ साथ। और ये फ्लेक्स बेसिस तो हो गया, अगर मैं फ्लेक्स बेसिस को और बढ़ा दूँ, मैं यहाँ पे कर दूँ 260 पिक्सल्स, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, तो फ्लेक्स बेसिस में हमारा वो तो बढ़ ही रहा है विड्थ, विड्थ को कंट्रोल करता है क्योंकि, और हम इसको इंस्पेक्ट करें कंट्रोल शिफ्ट आई, तो उसमें भी हम देखते हैं कि ये हमारा विड्थ, अच्छा ये नीचे नहीं आ रहा, अच्छा अब आ रहा है, हमारा विड्थ कंट्रोल कर रहा है बिल्कुल ईजिली से, है ना, ईजिली। तो बढ़ाइए घटाइए आपकी मर्ज़ी है, कुछ जो भी रखने रखिए। और अगर हम अपने आइटम्स को, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा कि हमारे आइटम एक ऊपर है एक नीचे है फिर एक इधर है उधर है, मतलब उनको अगर हमें करना है, तो एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास अलाइन सेल्फ। अगर मैं यहाँ पर सेंटर कर दूँ, सेंटर हमने किसको दिया, अलाइन सेल्फ आइटम 3 को, ये पर्टिकुलरली एक आइटम पे लग सकता है क्योंकि ये बहुत उसको अच्छा बना देता है। तो अगर मैं यहाँ पे अलाइन सेल्फ को देखूँ एमेट में, जो कि हमारा अलाइन सेल्फ दिखा रहा है, तो उसको अगर मैं ऊपर से करना चाहता हूँ, तो उसको हम कर सकते हैं फ्लेक्स स्टार्ट से, आप देखते हैं ये ऊपर चला चुका है, जा चुका है बिल्कुल। और अगर हम उसको नीचे से देखना चाहते हैं, जो कि हमारी प्रॉपर्टी ओवर रिटन हो जाएगी, तो उसको मैं कर देता हूँ फ्लेक्स एंड करके प्रॉपर्टी है ना, अलाइन सेल फ्लेक्स एंड, तो वो नीचे चली जाएगी। तो ये बिल्कुल ईजी अलाइंस है ना, अलाइनमेंट ईजी है, और हमारे डिस्प्ले ईजी है इसका, फ्लेक्स रैप देख लिया हमने, और हमने डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कॉन्टेंट सब देख लिया हमने फ्लेक्स बॉक्स मॉडल में हमारा, और फ्लेक्स बॉक्स मॉडल में हमारा इतना ही कॉन्टेंट आता है फिलहाल के लिए। तो अगर कुछ भी अपडेशन होगा इसमें तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, वीडियो पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक तो ज़रूर ठोक के जाना एक। और तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहो कोड करते रहो, बाय बाय।